अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैर कैसे होंगे। अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज 12 रबी अव्वल का दिन है और अभी मैं इस टाइम मौजूद हूँ देश में खान में जुलूस में मौजूद हूँ और मैं आपको साथ साथ ये जुलूस शेयर करता जाऊँगा। ये 12 रबी अव्वल का जुलूस कैसे मनाया जाता है, किस तरह से मनाया जाता है, सब मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो चलें जी, चलते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, बेल आइकन को ऑल पर कर दे ताकि मेरे आने वाले तमाम नोटिफिकेशन अब तक। मैंने कल बहुत ज़्यादा प्लान बनाया था कि मैं सुबह उठूंगा इंशाल्लाह व्लॉग बनाऊंगा, लेकिन यार असल में ऐसा है ना कि जब बंदा कोई अलार्म लगाता है ना और वो उस टाइम पर ना उठ सके ना तो बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो बस मैं लेट हो गया था तो इसलिए अभी दोस्त ने कहा तो मैं व्लॉग बना रहा हूँ। तो यार कोई आइडिया नहीं है कि मैं क्या बनूँ, क्योंकि मैंने पहले मेरा पूरा प्लान था कि मैं व्लॉग बनाऊँगा और उसमें क्या क्या स्क्रिप्ट होते हैं, क्या क्या चीज़ होते हैं वो सब लिखूंगा, लेकिन यार बस क्या करूं, बहुत सा गुस्सा रहा क्योंकि बंदा टाइम लगाता है और उठ ना पाए तो फिर क्या करता है। तो बस अभी मैं यहाँ ठहरा हूँ जीपीओ चौक पर और सीन ये है कि ये जो जुलूस है ये जाएगा मिलाद पार्क में और वहाँ पर सारा जुलूस एंड होगा। अभी जो है जुलूस है बहुत पीछे, मैं आपको बैक कैम से दिखा देता हूँ। हाँ तो दोस्तों, हमारे साथ अहमद भाई है जो के पिछले ईयर हमारे व्लॉग में आए थे और16 मिलियन आ जाएंगे। तो अभी फ्रेंड्स, तो सीन ये है कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और मैं मिलाद पार्क के करीब पहुंच गया हूं और जुलूस अभी बहुत पीछे है। तो बस चलें जी, चलते हैं, आपको बैक कैम सारा शॉट दिखा देते हैं। जुलूस वो पीछे है। तो जी ये वो पार्क है जहाँ पर प्रोग्राम एंड होगा, तो यहाँ का मैं आपको ये सीन दिखा देता हूँ। अभी ये सारे इंतज़ार में बैठे हैं प्रोग्राम के और नाज शरीफ भी पड़ी जा रही है, मैं आपको सब दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड, मिलाद का प्रोग्राम यहीं पर एंड हो गया और नाज खान जो है वो नाज खानी कर रहे थे और शोर भी पीछे इतना आ रहा था कि जिसकी वजह से ना मैं वीडियो नहीं बना सका। तो उसके बाद फिर हम लासानी पिज़्ज़ा पर चले गए, वहाँ पर हमने पिज़्ज़ा खाया और वहाँ का मैंने एक शॉर्ट बनाया है, स्नैप बनाई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। A few hours later.
हाँ तो फ्रेंड, हम मिलाद के प्रोग्राम से वापस आ गए हैं। प्रोग्राम एंड हो गया, और मैंने मिलाद की एंडिंग इसलिए नहीं की क्योंकि यार पीछे नाखून जो थे वो नाखून का रखते, और पीछे ट्रैक्टर का भी शोर इतना था कि जिसकी वजह से ना वीडियो में आवाज़ मेरा बहुत कम आता था ना, तो इसीलिए। तो बाकी मैंने जो शॉर्ट्स बनाए हैं वो मैं आपको मैंने प्रीव्यू में दिखा दिए। A few hours later. तो फ्रेंड्स, हम कजन के घर गए थे, वहाँ पर मैं वीडियो नहीं बना सका किसी वजह से। तो बस अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं व्लॉग अपने यहीं पर कर रहा हूँ एंड। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।